सर लगातार रिजेक्शन आ रहा है एनडीएच 4 का, तो फिर भी मैं अपना धंधा चालू रखूं कि बंद कर दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है भाई। लगातार रिजेक्शन आ रहा है ना, आपको क्या लगता है कि आपको आपका बिजनेस इंपॉर्टेंट है कि नहीं आपके लिए, पहले ये देख लो। सर भावनाओं को वाली बात मत करो, नियम वाली बात करो। मैं आपको नियम वाली बात बताने वाला हूं। क्या आपको लगता है कि आप एकदम बड़े डिफॉल्टर हो? लिखो कहीं पे, कमेंट करो, हाँ सर मैं डिफॉल्टर हूँ। नहीं तो फिर लिखो नो, मैं डिफॉल्टर नहीं हूँ। कमेंट में लिखो, सिर्फ नो लिखो, तो उससे ये समझ में आएगा कि आप डिफॉल्टर नहीं हो। कहीं पे लिख भी दो और आपने मैक्सिमम प्रयास किया सब चीजों को सही करने का, उसके बाद भी अगर आपको अलाउ नहीं किया जा रहा है तो बॉस ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, रिजेक्शन आ गया उसके बाद में अपील में तुरंत जाइए। अगर आपको एनडीएच 2 फाइल करने बोलता है, एनडीएच 4 आपका रिजेक्शन आ गया, तो फिर आपको अपील में जाना है। लेकिन उससे पहले कम से कम एक और बार एनडीएच 4 जरूर फाइल कर दीजिएगा, दो बार। लेकिन सर एक बार एनडीएच 4 फाइल करते हैं ना, तो उसके बाद में बहुत दिन तक वो रिजेक्शन ऑनलाइन दिखाता नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। रिजेक्शन दिखा लेने दो, दिखाने के बाद फिर आप एक और बार एनडीएच 4 फाइल करो, फिर नहीं होता है तो फिर आगे बढ़ जाओ। लेकिन सर एक महीना हो गया वो ऑनलाइन में दिख नहीं रहा है, या फिर ऑनलाइन में दिखने के बाद वो कहता है कि एनडीएच 2 फाइल करो क्योंकि आप पुराने वाले हो, तो एनडीएच 2 फाइल किया लेकिन उसका एक महीना हो गया अभी तक वो आगे नहीं बढ़ा, मामला आगे नहीं बढ़ा, एनडीएच 2 का जवाब भी नहीं दिया, या तो वो रिजेक्शन हो गया। ये दोनों कंडीशन में आप तुरंत हाईकोर्ट में जा सकते हो अपील के लिए। और आपको अपील में किसी भी प्रकार की मदद चाहिए तो हम भी मदद कर सकते हैं, आप अपने सीए के पास भी जा सकते हो, अपने वकील के पास भी जा सकते हो, लेकिन सही रिप्रेजेंटेशन करना जरूरी है। और मैं आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं, एक्चुअल मोटिवेशन ना, ऐसे गोल वाला नहीं, एक्चुअल मोटिवेशन ये है कि 3 लोगों के केसेस में आगे बढ़ा है मामला, उनको स्टे ऑर्डर मिला है, आप भी स्टे ऑर्डर ले आओ, अपील जरूर करो। और अपील करके अपील में ये लिखो कि सर हम अपना व्यापार चालू रख रहे हैं, चालू रखना चाहते हैं जब तक के 100% ये हम लोगों को नहीं दे देते एनडीएच 4, क्योंकि हमने बाकी सारे नियमों का पालन किया, सारे चालान पे किए। अब ये डायलॉग मारने से पहले भैया कुछ छूटा होगा तो वो जरूर कर लेना, ऐसा मालूम चला कि आप इतना लिख दिया और पीछे बोले सर वो 3 साल का एनडीएच 3 जमा नहीं किए, एनडीएच 1 का कोई ठिकाना नहीं है, लेट होने दो, फाइल कर दो, नहीं करने देता, स्क्रीनशॉट लगा दो कि भैया ये करने नहीं दे रहा है, और हमारा इंटेंट ये नहीं था कि हम नहीं करेंगे, हम तो करना चाहते थे, कर रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रहे, नहीं मान रहे, आगे बढ़ जाओ, यस और नो। तो फिर आप आगे बढ़िए, अपील करिए, धंधा भी चालू रखिए अगर आपने हाईकोर्ट में अपील कर दिया है तो। तब तक एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, छोड़ना नहीं, व्यापार है सर, छोड़ के मैं दूसरा वाला काम कर लेता हूं, ऐसे भागते रहोगे आप, कहीं पर भी नियम आते रहेगा। भारत ऐसा जगह है जहां पर व्यापार करने का बहुत बड़ा आजादी है, उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पावरफुल है इंडिया में। तो अगर नहीं सर, लेकिन ना ये कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन से बोल के ये सब अपील करके बहुत टाइम लगता है, लगने दो। अपील किया हुआ है ना कोई, अगर आपके पास बीच में आता है धंधा बंद कराने, तो आप दिखा सकते हो ना अपील हुआ है, यस और नो, तो बोलना भैया अपील हुआ है, और अपील में एक लाइन लिखा हुआ है कि सर अपना बिजनेस हम चालू रखेंगे और इसी चीज के लिए स्टे ऑर्डर दिया जाए कि भाई व्यापार ये चालू करता रहे, और उसकी मांग हमने की है, तो आपका बंद किया वाला हम नहीं मान रहे, आपसे ऊपर वाले जगह पे हम लोग जा चुके हैं, ये चीज सामने वाले को अश्योर करा दो। रुकना नहीं, जीतना जरूरी है, और ये जीत कर रहेंगे क्योंकि गलत एंगल से जो मिनिस्ट्री है या सेंट्रल गवर्नमेंट है ये अप्रोच कर रही है, गलत अप्रोच है, और इस अप्रोच से ऊपर आना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मिनिस्ट्री के अगर कोई भी सुन रहे हैं मेरे वीडियो, मैं बताना चाहता हूं हाथ जोड़ के कि सर सही कंपनीज को चलने दिया जाए, जो गड़बड़ कर रहे हैं उनको रास्ता बताया जाए कि भैया ये चीज इतने दिन में आप सही कर लो, हमारे पास आकर दिखाओ, और उसके बाद भी आपको जितना रिपोर्टिंग चाहिए ना सर हर महीने ले लो। मैं बता रहा हूँ ये लोग अच्छे हैं जो वास्तविक बिजनेस करना चाह रहे हैं, 10 में से 2 जन गड़बड़ करते हैं, सारे गड़बड़ नहीं है, तो जो गड़बड़ कर रहे हैं या फिर किसी प्रकार का MLM कर रहे होंगे या किसी प्रकार से पब्लिक से गलत अमाउंट डिपॉजिट ले रहे होंगे, वैसे वाले लोगों को आपको जो सजा देने बनता है दे दो, लेकिन एक मौका उन लोग को दो जो करना चाहते हैं। ये मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, और दर्शकों से कहना चाहता हूँ, आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो मैं आपकी मदद करता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा, आपको जिताता रहूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।